बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा सड़कों की खस्ता हाली पर ध्यान दे योगी सरकार, यूपी में आम जनजीवन है बेहाल। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एम्बुलेंस के उड़े चीथड़े, चालक की हालत नाजुक। पीलीभीत में हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, आगामी विधानसभा को लेकर वोटरों को लुभाने में जुटी पार्टियां, जिले भर के कार्यकर्ता हुए शामिल। आगरा में तेजी से बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, दबंगों ने मंदिर में भगवान की प्रतिमा को तोड़ा, पुलिस की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश की सड़कों की खराब हालत और गड्ढों पर सरकार को घेरते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश के सड़कों की हालत फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढों में सड़कें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि योगी सरकार को प्रदेश की खराब सड़कों के रखरखाव पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, सड़कों पर गड्ढे होने से दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है जो कि दुखद है। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों की बुनियादी जरूरत और विकास से जुड़ी हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों की बुनियादी जरूरत और विकास से विशेषता जुड़ी हुई हैं तथा इनके बारे में भी सरकार चाहे जितनी भी नारे और दावे कर ले, लेकिन यूपी की सड़कों की हालत फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क, सरकार ध्यान दे। मायावती का यूपी सरकार पर यह जबरदस्त निशाना सामने आया है, जहां पर ट्वीट करके मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा सड़कों को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों की सड़कें ऐसी हैं जो बाढ़ बारिश की वजह से गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा कि योगी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो सड़कें हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा ये प्रदेश की विकास के लिए भी गति देने का काम करती है। लखीमपुर खीरी नगर पालिका द्वारा पूर्व में चले आ रहे गृह कार्य में अचानक कई गुना वृद्धि हो गई है। गृह कार्य में की गई बड़ी वृद्धि को लेकर नगर व्यापार मंडल के व्यापारी नेता जनहित में लगातार विरोध जता रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, महामंत्री चांद कुमार जैन और तहसील अध्यक्ष बलराम गुप्ता की अगुवाई में नगर पालिका पहुंचे। व्यापारी नेताओं ने चेयरमैन महमूद हुसैन खां और शासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारी नेताओं ने एक बार फिर चेयरमैन और ईओ को बढ़ाए गए गृह कर के गजट को स्थगित करने की मांग की है और संभावना जताई है कि 21 तारीख को नगर पालिका परिषद में होने वाली बोर्ड बैठक में पालिका प्रशासन शहरवासियों को बढ़ाए गए गृह कर में खासा सहूलियत दे सकता है। तो गृह कर को लेकर लगातार इनका विरोध जारी है, व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जो बढ़ाए गए गृह कर है उसे वापस होना चाहिए और इसको लेकर हम लगातार ज्ञापन सौंप चुके हैं जिलाधिकारी को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये उसे फिर मिले व्यापारी नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका ये जो आंदोलन है वो यूं ही जारी रहेगा। मैनपुरी में शादी के बाद विदा होकर ससुराल जा रही दुल्हन रास्ते में पति को चकमा देकर रफू चक्कर हो गई। काफी तलाश करने के बाद उसका पता नहीं चल सका। पीड़ित युवक और उसके पिता ने एक महिला और युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शहर के करहल चौराहे के पास रहने वाली युवती ने कस्बा वेवर के रहने वाले युवक के साथ शादी की। जब युवक उसे विदा कराकर वेवर बस स्टैंड पर पहुंचा तभी युवती उसे चकमा देकर नगदी जेवर लेकर फरार हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित पति सदमे में है। मैनपुरी का ये पूरा मामला, पति को धोखा देकर दुल्हन भागती हुई नजर आई है, लुटेरी दुल्हन ये सामने आई, नवविवाहिता नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। ऐसा था कि हमारे तुम्हारी मौत हुई थी, उसमें रूपलाल नाम का एक भानज लगता है उसी गांव का, वो आया तो उसने कही हमारे लड़के राजू की पहले शादी हो चुकी थी, तो उसका मतलब कितना छुट्टी हो गई,
तो उसने कहा तुम अपने लड़के की शादी करोगे, तो हम बोला कि कर लेंगे भाई, कैसी लड़की है, लड़की बढ़िया दिलवाएँगे, फुल गारंटी होगी। तो हमने भी आपकी जानकारी में थी किसी दूसरे के में, बोला दूसरे के में, तो उससे मेरी जान पहचान है, तो बोला 80,000 रुपये लगेंगे और कपड़ा और मिट्टा लगेगा जो भी लगेगा। तो ठीक है, अरे हम लोग सुबह यहाँ से गए, दो बाइक लेके मैनपुरी पहुँचे, लड़की पिछला मंदिर पे उन लोगों ने बुलवा दिया। अभी तो मेरे पास पैसा नहीं, मेरा मकान पटाई हुए को, छोटी छोटी बालक ने काम करो, मकान पटाई हुए को होती मेरे, तब बस बोलो भाई हम तुम्हारे लड़के को पिया कर ले आए थे, लड़की बढ़िया है, हम बता बढ़िया बात है, तो तुम 80,000 रुपया दो, तीन चीजें दे, 80,000 रुपया दे, एक पास ही अच्छी कान की ना, 10,000 कपड़ों की खरीदा है, 10,000 हम तो साथ गई नहीं, 10,000 रुपया मैं पूरी शीतला देवी से अच्छे के सिंगार विंगार ले, 10,000 रुपया लेके कपड़े अपड़े सब खरीदो। अलीगढ़ में अलीगढ़ पलवल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को बुरी तरह से रौंद दिया। भीषण सड़क हादसे में एम्बुलेंस के चीथड़े उड़ गए, तो वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल चालक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित गोमर चौराहे के पास बुधवार की सुबह यानी कि आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एक एम्बुलेंस वैन चालक दिल्ली से मरीज छोड़कर अलीगढ़ की तरफ वापस लौट रहा था, उसी दौरान रफ्तार किसी अज्ञात बड़े वाहन ने एम्बुलेंस को बुरी तरह से रौंद दिया। सड़क हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं एम्बुलेंस में सवार चालक जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, राहत बचाव का काम शुरू किया है और एम्बुलेंस चालक को वहां से निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया है। तो जोरदार सड़क हादसे की आवाज सुनकर आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए और किसी तरह से ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल एम्बुलेंस चालक को बाहर निकाला, पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस पूरे घटना में काफी समय लग गया, क्योंकि जो चालक है वो एम्बुलेंस के अंदर फंसा हुआ था, तो कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया, गंभीर रूप में घायल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। अज्ञात वाहन कहां से था, कौन सा नंबर था गाड़ी का, किस राज्य था, इसके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। तो अलीगढ़ पलवल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एम्बुलेंस को एक बड़े वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में जो एम्बुलेंस चला रहा ड्राइवर था वो भी गाड़ी में फंस गया। इसकी आवाज़ सुनकर हादसे की आसपास के जो लोग हैं वो मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी तरह से काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद जो एम्बुलेंस चालक था उसको निकाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था, फिर उसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। अच्छा, क्या घटना हुई है? किसी अज्ञात वाहन से टकराव हो गया गाड़ी का। किस जगह पे हुआ है ये? ये हुआ है खैर और गोमत के बीच में। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अभी फिलहाल में उसको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। पुलिस को कोई सूचना देती है? हाँ सर, पुलिस को सूचना दी, FIR डाली है। मामला है जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने के लिए मिला है। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस अलीगढ़ जा रही थी, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और इस टक्कर में एम्बुलेंस चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, वो एम्बुलेंस के अंदर ही फंस गया। एम्बुलेंस के भी परखच्चे यहाँ उड़े हुए हैं, पूरी तरह से एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त है। भीषण आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, किसी तरह से एम्बुलेंस चालक को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल अगर बात की जाए अलीगढ़ पलवल हाईवे की, तो यहाँ पर भीषण हादसे होते रहते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार वाहन जो है यहाँ पर अनियंत्रित होकर कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। और अलीगढ़ से मेरे सहयोगी अजय कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जो अज्ञात वाहन था, क्या पता चल पाया है कि वो कौन से राज्य का नंबर था और वो जो ड्राइवर है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है?
देखिए, मैं आपको बता दें कि एक जो एम्बुलेंस चालक था वो मरीज को छोड़ कर दिल्ली से लौट कर वापस अलीगढ़ की तरफ आ रहा था। उसी दौरान जो कोतवाली क्षेत्र का जो गोमत चौराहा है वहां पर जो है एक दर्दनाक भीषण हादसा हुआ है। जो एक भारी वाहन था वो तेज रफ्तार जो वो एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद में मौके से फरार हो गया। तो वही एम्बुलेंस के जो पूरी तरीके से चीथड़े उड़ गए। इस भीषण हादसे में जो है जो चालक वैन पर सवार था एम्बुलेंस के अंदर वो उसके अंदर बुरी तरह से फंस गया और गाड़ी जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। तो वही जो घायल एम्बुलेंस चालक है उसकी स्थिति फिलहाल क्या बताई जा रही है? देखिए, वहां पे स्थानीय लोगों की मदद से उसको जो उपचार के लिए जीवन ज्योति अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जिस तरीके से इतना भयानक भीषण हादसा हुआ तो उसमें जो है चालक की जो हालत बिल्कुल ही चिंताजनक बनी हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो यह हादसा किस वक्त हुआ है और क्या तेज रफ्तार से एम्बुलेंस आ रही थी या अज्ञात वाहन तेज रफ्तार से आ रहा था जिस वजह से हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दें कि सामने से जब ये अलीगढ़ की तरफ आ रहा था उसी दौरान इसके सामने से तेज रफ्तार में कोई बड़ा वाहन निकल रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार वाहन में इसको सड़क के पास में जो सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिस आमने सामने की जोरदार टक्कर में जो है एम्बुलेंस को पूरी तरीके से फटकर छोड़ गए। तो वही एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद में जो तेज रफ्तार वाहन मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों को जब इस हादसे की बम की तरह सूचना मिली तो लोग बहुत दौड़ के जो घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों की मदद से एम्बुलेंस चालक को उपचार के लिए भिजवाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां अलीगढ़ पलवल हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ, एम्बुलेंस में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हरदोई में पुल के नीचे युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने जब शव को देखा तो वहां लोगों का तांता लग गया। वहीं सूचना मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि 24 घंटे में दो अज्ञात युवकों का शव मिला है। इससे पहले भी एक युवक का शव पाया गया था। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन 24 घंटे में दो शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं शव को देखकर पूरे इलाके के लोग जो हैं वहां पर तांता लगाकर इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि नदी में तैरता हुआ ये शव लोगों ने देखा, इसकी सूचना पुलिस को दी। इससे पहले भी एक युवक का शव इसी जगह पर मिला था। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि ये शव जो है यहाँ कैसे पहुंचा, क्या यहीं पर हत्या की गई है या हत्या करके शव को नदी में बहा दिया गया है। सरकार की सख्ती के बावजूद भी मासूम बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हरदोई में अपने ननिहाल आई एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल मासूम अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी पड़ोसी युवक कुछ खिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया और अपनी घर की छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दौड़े परिजन और पड़ोसियों ने दुष्कर्मी युवक को पकड़ लिया। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि मासूम बच्चियों महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरदोई में 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद हालांकि जो आरोपी है उसे मौके से ही पकड़ लिया गया, परिवार वालों ने उसे मौके से पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना संडीला पर एक महिला जो अपने मायके में आई थी, उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी बेटी के साथ घर के सामने रहने वाले एक जुर्म अपने छत पर ले जाकर के भुट्टा भूनने के बहाने उसके साथ बुरा काम किया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया है, शीघ्र ही अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।
वहीं बदायूं में चुनावी रंजिश में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रामदयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सुबह टहलने निकले थे, शाम को गांव के पास खेत में उनका शव मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। परिजनों का कहना था कि गुमशुदगी दर्ज कराने में पुलिस ने टालमटोल की, काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बाद में एसपी सिटी और सीओ के समझाने पर शव को उठाने दिया गया। इस मामले में मृतक की पत्नी मीना देवी की तहरीर पर मुकेश और इंद्रपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बदायूं का यह पूरा मामला जहां पर चुनावी रंजिश में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही साथ शव उठाने परिजन नहीं दे रहे थे, पर काफी ज्यादा समझाया गया परिजनों को, जिसके बाद पुलिस को अनुमति दी गई कि वो शव उठा ले। हालांकि इस पूरे मामले में तहरीर देकर छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल जो मृतक है उसकी पत्नी ने तहरीर दी थी थाने में, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये थाना उछानी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बसोमा की घटना है, जिसमें एक 52 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। इसमें परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा थाना उछानी पर पंजीकृत कर लिया गया है। सभी संभावित जो कौन हैं उनके आधार पर विवेचना की जा रही है, जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। ये क्या घटना है? ये सर हमारे पापा को सर गोली से मारा है सर। किसी पे शक वगैरह है? हाँ शक है। क्या? मुकेश साहू और इंद्रपाल। कहाँ के हैं ये? ये बस वहाँ के हैं। क्या कोई पुराने रजिस्टर? पुरानी गैर था, पहले 27 तारीख को पहले पापा को मारा था इन लोगों ने। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां योगी राज में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरा मामला कोतवाली कोरनपुर इलाके के सोअभोज गांव का है, जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत परिजनों को लाभान्वित करने वाले रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पशु शेड निर्माण में हजारों का घपला किया जा रहा है। पंचायत सचिव की तहरीर पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा मामला कोतवाली कोरनपुर इलाके के सोअभोज गांव का है। तो योगी राज में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीलीभीत का ये पूरा मामला जहां पर लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पीलीभीत में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने और चुनावी समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करने में जुट गई है। वहीं अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम को संपन्न कराने से पहले भारत माता के चित्र पर जिला प्रभारी राजेश सक्सेना ने फूलमाला चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर भारत माता की जयकारा लगाया है और इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया। सम्मेलन में दूर दूर से कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने भाग लिया, जहां पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हिंदू या वाहिनी के हिंदू हृदय सम्राट जिला प्रभारी राजेश सक्सेना ने सभी लोगों का आह्वान किया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर बोले कि पीलीभीत से चारों सीटों को भाजपा प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत के साथ विजय बनाना है। तो हिंदू या वाहिनी का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर रखा गया, जिले भर के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीलीभीत की जितनी भी विधानसभा सीट है उन सभी पर परचम बीजेपी का ही लहराएगा। इसका उद्देश्य यह है, अब ये 2022 का जो चुनाव आ रहा है, ठीक है, इसको लेके हम अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं लोगों से जनसंपर्क करें। उन जनसंपर्क में लोगों को अपनी बात बताएं, भाजपा की नीतियां बताएं, भाजपा के लिए वोट करने के लिए आह्वान करें, यही मेरा उद्देश्य है। मतलब बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए? बीजेपी हमारी पार्टी ही बीजेपी है, हिंदू युवा वाहिनी उसको हमेशा से सपोर्ट करती है। हमारी पार्टी, हमारा जो संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्पित रहा है और आगे भी हमेशा समर्पित रहेगा। भाजपा से हमारे पूज्य महाराज जी जो हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक हैं, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय भाजपा से, और हिंदू वाहिनी के संरक्षक हैं। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 70वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड में डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जेवर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मेट्रो, फिल्म सिटी, पॉ टैक्सी की प्रगति रिपोर्ट देखी। इसके साथ ही राय हेरिटेज सिटी और टपल लॉजिस्टिक हब की परियोजना में अब तक हुए कामों को बताया गया। बोर्ड में बताया गया है कि जेवर एयरपोर्ट की साइट पर 23 अगस्त से विकासकर्ता
कंपनी में काम शुरू कर दें। बोर्ड बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा फिल्म सिटी के लिए सेक्टर 21 के लेआउट प्लान को भी पुनरीक्षित किया है। नोएडा का ये पूरा मामला जहां पर स्वामित्व योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण में ये फैसला लिया गया। बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना पर भी मुहर लगा दी गई है। तेरहवीं बोर्ड बैठक यमुना प्राधिकरण के सभागार में आहूत की गई थी, जिसमें अध्यक्ष ACS इंडस्ट्रीज सर की अध्यक्षता में बैठक हुई और सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मुख्य रूप से आज जो एजेंडे रखे गए थे उनमें OTS के एजेंडा, कोविड के नाते टाइम एक्सटेंशन, साथ ही साथ लीज डीड के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने का, किसानों के आबादी के सर्वेक्षण कराए जाने का, और जो प्राधिकरण की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे PRT सिस्टम है, मेट्रो है, फिल्म सिटी है, R&R साइट का डेवलपमेंट है, इनकी प्रगति के बारे में वहाँ रखा गया। सबसे मुख्य निर्णय रहा OTS का, वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम ला रहे हैं। अलाटमेंट की तारीख से आज तक जितना पेनल्टी लगी है, जो पेनल इंटरेस्ट किसी के ऊपर लगा हुआ है, वो माफ़ कर दिया जाएगा और जो बची हुई धनराशि है वो लोगों को जो है 4 महीने में जमा करनी होगी। अगर 50 लाख रुपए तक की धनराशि है, अगर 50 लाख से ज़्यादा की धनराशि है तो 7 माह दिया जाएगा जमा करने के लिए। अमेठी जिले के CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 16 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान आयोजित की जा रही है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के करीब 66 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के सापेक्ष में 20 लाख से ज्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड बांटा गया, जिसमें 45 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। तो आपके द्वार आयुष्मान 2.0 की सुविधा पहुंचने वाली है। अभियान का आयोजन 16 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक चलाया जाएगा। तो जहां पर आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान का आयोजन जल्द किया जाना है, 16 सितंबर से करीब 30 सितंबर 2021 तक इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर आंधी तूफान और तेज बारिश के बीच दीवार गिर गई। वहीं दीवार गिरने से 4 साल का मासूम मौत के घाट उतर गया। वहीं इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो तेज बारिश से दीवार गिर गई, दीवार गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।